जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम चल रहा है हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में। हम मौजूद है अभी बीरवा में, म्युनिसिपल जो यहाँ म्युनिसिपल कमेटी उसी के सहन में हम मौजूद है। तो हमने यहाँ ये जो हमारे खास खास वर्कर थे उनको आज बुलाया था। ये कोई पब्लिक गैदरिंग तो नहीं थी, ये एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी, जो बेसिकली राहुल जी के साथ नाइंसाफी की गई और फैक्ट पे मबनी एक उसके खिलाफ वो एक एप्लीकेशन दी थी। और वो हर एक को पता है, मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा, वो फैक्ट पे मबनी सारा। और उसका उसको ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो सच पार्लियामेंट में बोलता है और सवाल करता है मोदी सरकार से, मोदी से कि महंगाई कहाँ पहुँची, बेरोजगारी कहाँ है, और जो अडानी के 20 लाख करोड़ वो कहाँ से आए, और किसानों की बात, जो किसान हजार मारे गए जब किसानों का प्रोटेस्ट चला, और जो आजकल भी बहुत सारे आत्महत्या कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि महंगाई आसमान को छू रही है, उसी कारण हमारा ये प्रोटेस्ट आज था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी। इसमें हमने खास खास वर्करों को बुलाया था। तो यही हमारे जो वसीम साहब, ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के इंचार्ज बनाया गया, ये एक तो इन्हीं ये मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, तो बाकी ये आपको बोलेंगे ब्रीफिंग में थोड़ा सा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट है और ये हमने ब्लॉक लेवल में करना है। हमने अभी शुरू किया, आपने देखा होगा चारूर से हमने शुरू किया, आज हम बीरवा में हैं। ये ब्लॉक लेवल में हमने अभी किया, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी किया है, अभी तो हमने शुरू किया है, इंशाल्लाह फिर हम ये अभी चलेगा। और ये जो प्रोटेस्ट है, हमने नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट है जय भारत सत्याग्रह, ये हमने ये जो जुल्म अभी हो रहा है, महंगाई है, जो हमारे राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में गए ये बात लेके कि जनाब जुल्म हो रहा है, और उसका क्या मिला वहाँ से डिस्क्वालीफाई, ये आप लोगों को सबको पता है कि डिस्क्वालीफाई वहाँ से उनको कर दिया गया। और इसी के हम बैठे कि जो राहुल जी बात लेके गए थे पार्लियामेंट में कि वो गरीबों की बात लेके गए थे, आवाम की बात लेके गए थे, वो इसका वहाँ से मिला कि डिस्क्वालीफाई हो गए, और उसी के हम बैठे हैं। अभी ये शुरू है, इंशाल्लाह फिर हम आगे अभी चलेगा। पता है ये पूरे हिंदुस्तान को पता है उसको डिस्क्वालीफाई क्यों किया, क्योंकि गरीबों की बात वो ले गए कि, और पार्लियामेंट में ये सबको पता है कि उन्हें अडानी अंबानी का 20,000 करोड़ का हिसाब है, और वो किसी ने सुना नहीं पार्लियामेंट में, उसी का क्या मिला उसका, यही मैंने आपको बार बार बताया, डिस्क्वालीफाई इसीलिए वो हुए। आपको लग रहा है कि बीजेपी को कांग्रेस अब टक्कर दे सकती है? जनाब ये जम्मू कश्मीर में, जनाब ये कश्मीर में इलेक्शन करें ना, मैं आपको कश्मीर से ही दिखाऊंगा, कश्मीर से ही इनको हम भगा भगा के नागपुर भेजेंगे। ये आप याद रखना, मैं कह रहा हूँ आपके सामने कह रहा हूँ, इनको आप वापस भेजेंगे नागपुर। लोगों को क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? लोगों में बस यही, हम इकट्ठा होना चाहिए, डरना नहीं है, जिसका मतलब जो हमारे राहुल हमने पीछे बैनर पे लिखा है डरो मत। तो लोगों को मैंने आज जो यहाँ पे मीटिंग मैंने की बीरवा में, इनको भी मैंने बताया कि डरो मत, और हम अभी इकट्ठे हैं, सारे हो जाएंगे भी इंशाल्लाह बरहमान। और जो हमारी राहुल गांधी हमारे जो लीडर है, जो हम उसके साथ है इंशाल्लाह बरहमान, उससे जो डिस्क्वालीफाई वो हुए, वो तो ये जोर मतलब जबरदस्ती में करते कुछ भी करे, लेकिन लोगों को सब कुछ पता है। मैंने इसीलिए आपको कहा कश्मीर में इलेक्शन करिए पहले, कश्मीर में इनको हार मिलेगी, और सबसे पहले आज सब एमएलए आएंगे कांग्रेस को, कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर होगा इंशाल्लाह। इस तरह अनडेमोक्रेटिकली इलीगली खत्म आमुत मीटिंग बुलाओ, तथ मे दस्खत, तथा आजाद सब दस्खत, तमें यह अनकानस्टिट्यूशनल तो अनडेमोक्रेटिकली खत्म कर, और पे दु आजाद सब तथ बयान कह ना अत हम कहीं कर, मगर तमें सी डब्ल्यू सी मीटिंग मे दुत अहसा यह गलत पा कर।